तो इस तरह से देखिए नाश्ता हमारे किचन में बन रहा है गुड़ का, गुड़ और आटे का। तो चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारे बने रहिए आप लोग। तो वीडियो को शुरू से लाइक से जरूर आप लोग देखिए। और देखिए आप बन के तैयार है, बहुत अच्छे नाश्ता है। तो इसको नाश्ता के एक बार हम हाथ से आप लोग को तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना फूला फूला नाश्ता है और बहुत काफी टेस्टी नाश्ता बना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज संडे के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने माताएं बने भैया हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएं। एक छोटा सा गांव के रहने वाले हैं, जब तक आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। सभी लोग से हाथ जुड़ के निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना आप लोग ना भूलें बिल्कुल। बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएं, जाकि सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं डेली भी वीडियो हम डेली छोड़ते हैं, 10 बजे छोड़ते हैं। कभी कभी लेट हो जाता, वीडियो नहीं सेव हो पाता है तो 10:30 भी बज जाता है। तो आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, सारे कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग का जवाब भी देते हैं। तो हमारा चैनल जैसे देख रहे हैं इतने दिन से बना रहे हो कि आगे नहीं बढ़ा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चैनल वीडियो बनाने के लिए हमको। बाकी तभी भी वीडियो बनाते हैं कि रोज़ आशा करते हैं कि एक दिन व्यू मिलेंगे हमको। बाकी रोज डेली व्यू जब से रहता है कि 100 पहले ऊपर जाते थे, 100 से फिर 100 से नीचे आ जा रहे हैं। तो सभी लोग से हाजिर करने बताने कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जाकि हमारा भी चैनल आगे बढ़े। आपके इसी तरह एक नई नई रेसिपी लेकर आप लोग के बीच में इसी तरह आएंगे या बनाएंगे। जो भी आप लोग कमेंट में करते हैं तो सारा वीडियो आप लोग का जब भी हम देखते हैं कमेंट तुरंत बना के दिखाते हैं आप लोग वीडियो में, जब भी कमेंट करते हैं कि वीडियो हमको चाहिए रेसिपी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम गुड़ और आटे के नाश्ता बनाएंगे, उसको गुलगुला भी बोल सकते हैं आप, नाश्ता भी। तो विटामिन से भरपूर है, जैसे देखते हैं गुड़ में बनाएंगे तो आप चीनी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आटा ले लिया है गेहूँ का, यहाँ पे देखिए गुड़ ले लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए इलायची लिए हैं, और यहाँ पे देखिए हमने बेकिंग पाउडर लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इलायची को डाल दे रहे हैं। इलायची को डालने के बाद से बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे। बेकिंग पाउडर कोई जरूरी नहीं रहता है, इसको आप 15 मिनट भिगो के पहले छोड़ दीजिए, 15 मिनट बाद बनाइएगा तो आपका गुलगुला काफ़ी अच्छे से बनेगा। बाकी इसको हम तुरंत जा रहे हैं बनाने के लिए। आप इसमें दूध भी डालना चाहते हैं तो दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूध हम नहीं डाल रहे हैं, एक सिंपल तरीके से बना रहे हैं, जाकि सबके घर में आसान तरीके से मिल जाए। जैसे देखते हैं सभी लोग को घर में दूध नहीं रहता है जल्दी, इसलिए हम बना रहे हैं नाश्ता। इसमें जैसे देख रहे हैं गुड़ में हमारे कुछ नहीं, नया गुड़ है जैसे देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। अभी ये नया गुड़ रहता है तो इस तरह से रहता है, नहीं तो काला बिल्कुल ये हो जाता है। तो अभी ये नया है तो देखिए इसमें हम एक बार डाल दे रहे हैं। आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डाल के छानेंगे, जाके इसमें एक ट्विटर विटर पड़ जाता है कभी कभी। अब इसका एक घोल बना दे रहे हैं। यहाँ पे गुड़ को हमने अच्छे से घोल दिया है, इसको आटे को मिला ले रहे हैं, पहले बेकिंग पाउडर इलायची को अच्छे से मिला ले रहे हैं। अब देखिए अच्छे से मिला लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए छन्नी लिया है, छन्नी से हम इसको गुड़ को छान लेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसी तरह से रहता है कि खर जैसे रहता है, पड़ जाता है गुड़ में, गुड़ पकाते समय पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं इसमें। अब इसका घोल हम तैयार कर ले रहे हैं। से ज्यादा लग रहा था तो हम कटोरी में निकाल लिए थे, फिर इस पानी को इस कटोरी में डाल दे रहे हैं। ये पानी छाना हुआ हमारा है, इसमें कुछ है नहीं। आप देखिए हमारा जो है अच्छे से मिक्स ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से हमको घोल चाहिए इसका, ज्यादा गीला रहेगा तो नहीं बन पाएगा। अब इसको हम रख दे रहे हैं, चल रहे हैं आग को जला लेंगे। हमने आग को जला ले रहे हैं, हवा नहीं चल रहा है तो देखिए काफी अच्छे से आग जल जा रहा है, नहीं तो जब हवा चलता है तो आग जलाने में बुझ जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर साक्षी भी आ गई है, तो साक्षी भी तैयार नहीं हुई है, एक लोग अपना मुंह हाथ गोड़ धो के तैयार हो चुके हैं। देखिए अभी मुंह में कुछ भी नहीं लगाया, देखिए पहले उसी तरह बैठे हैं, मुस्किया रहे हैं पहले। ये लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ रावी देखिए यहाँ पर खड़ी है। घूमती है देखिए, पहले चारों तरफ छत पे आ जाएगी, सुबह में पहले घूम के इसी तरह पहले में हाथ डाली रहती है, ठंड बहुत ज्यादा इसको लगता है। रिफाइंड तेल इसमें हम डाल दे रहे हैं, रिफाइंड तेल डालकर इसको अच्छे से गर्म करना है।
ज्यादा अच्छे से भी नहीं करना कि ज्यादा खोल हो जाए तेल आपका, तब उसमें डालिए जलने लगेगा। बस तेल को मीडियम में लाना चाहिए। बनाते समय तेल को गर्म करते हैं उसी तरह तेल हमको गर्म करना है। सबसे पहले तेल को चेक करेंगे तेल गर्म है कि नहीं। देख रहे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से देखिए फुलकर उबला गया। ये तेल काफी अच्छे से गर्म है, यहाँ पे भून चुका अच्छे से, तो इसको हम चढ़ा दे रहे हैं। पहले हम हाथ से इसको निकालेंगे, देखिए इस तरह से हम करेंगे इसको। जैसे छोटे बड़े आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो इसको मीडियम आंच से पकाएंगे हम, जाके अंदर से कच्चे मत रह जाए इसमें। देख रहे हैं कितने अच्छे से फूल रहा है, पहले तो इसको हम पलट ले रहे हैं इसी तरह से। इसको थोड़ी सा छोटा डालिए, जैसे कि बड़ा होता है फूलकर, तो देखिए थोड़ा सा छोटे हम डाले थे। इसको देखिए फूल रहा है कितने अच्छे से, तो इसको अच्छे से इसी तरह हम पकाएंगे। पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे रसगुल्ले जैसे कितने काफी अच्छे देखिए बना है हमारे, अगेडे जैसे फूला अभी देखिए यहाँ पे बना के हमने निकाल लिया, बहुत काफी टेस्टी बना है। तो सर्दियों के मौसम में एक तरह विटामिन से भरपूर है, एक बार इस तरह से बनाएंगे आप तो देखिए पूरे दिन आप इस तरह से बना कर रख देंगे इसको, तो जब भी मन करता है तभी आप खा सकते हैं। तो देखिए गेदे जैसे फुला है, कितना अच्छा है, नाश्ता बनके तैयार है। तो मात्र दो चीज से इस तरह से नाश्ता आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से फिर दूसरा भी बना लेंगे। आप हाथ से नहीं बनाना चाहते तो देखिए यहाँ पर चम्मच लिए हैं, तो आप चम्मच से देखिए इस तरह से उठा सकते हैं। तो देखिए चम्मच से भी डाल सकते हैं, चम्मच से थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि लस्टोर टाइप में हो गया है, ये पकड़ लेगा इस तरह से, चम्मच जल्दी छोड़ेगा नहीं। ये डिजाइन बन जा रहा है देख रहे हैं आप लोग चम्मच से। तो इसको हम हाथ से डाल रहे हैं, हाथ से बहुत आसान तरीका रहता है। आज को हम बिल्कुल मीडियम किए हैं, जबकि इसको अच्छे से पूरा अंदर से होके तब ऊपर आ जाए। इधर राबी डांस भी कर रही है बहुत ज्यादा डांस, इसको जब भी ना रहती है नाचने शुरू कर देती है। को मिलेगा नहीं तब तक ये लोग हटेंगे नहीं, यहाँ सोच रहे हैं क्या बन रहा है। पहले तो कह रहे मम्मी गुड़ में क्यों बना रही है, कैसा लगेगा खाने में। इस तरह से जब हम लोग की मम्मी बनाती थी तो सब ठंडे के मौसम में हम लोग भी इसी तरह से मम्मी के पास अपने लगे रहते थे कि क्या बन रहा है पहले खाने के लिए मिलेगा अभी। ये सब जब इस तरह से आते हमारे पास में तो अपना बचपन याद आ जाता है। तो देखिए इसी तरह नाच रही है खूब डांस करके, जब कैमरा घुमाया जाए तो हट जा रही है। तो देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है, इसको हम पलट ले रहे हैं। तो जैसे देखते हैं बार बार एक ही नाश्ता खाते खाते मन बोर हो जाता है, तो कुछ अलग तरीके से नाश्ता इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो बच्चों को ये नाश्ता टिफिन में भी आप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल ले रहे हैं। तो बाबू हमारा कहता है कि मम्मी इसके दोस्त सब स्कूल में रहते हैं तो ले जाता है जब भी टिफिन अपना, वो सबको भी खिलाता है। तो सब कहते हैं नहीं ये मार्केट से किन के लाए हो, कोई भी चीज रहता है। तो यहाँ पे उनके जो दोस्त बाबू हमारे देखते होंगे, तो देखिए यहाँ पे बन रहा है, बाबू आज टिफिन ले जाएगा आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पे बन के कितने अच्छे से तैयार हो गया है। इसी तरह से हम जल्दी से इसको बना ले रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी देखिए यहाँ पे नाश्ता बस बनाना है, टिफिन के लिए भी सब्जियां बनाना है सूखी इस तरह से। तो जो बच्चे हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आके खा लीजिए इसी तरह, देखिए आप लोग के लिए बन गया है। बना बना के इसी तरह से हफ्ते में जैसे एक बार जरूर इसको खाइए।
रहा है तो मीट मांच करते, इसी तरह सारे निकाल कर फिर आप लोग से मिलते हैं हम। इसको जैसे हाथ से डालने पे ही रहता है कि बार बार हाथ धोना पड़ जाता है, तो आप लोग बड़ी वाली पन्नी जैसे लेकर पन्नी में भी डालकर बना सकते हैं। पन्नी को थोड़ा छेला बहुत बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा जैसे जलेबी बनाते हैं तो उस तरह से बड़ा छेदा रहेगा तो काटने में अच्छे से कट जाता है। अच्छी तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारा नाश्ता बन के तैयार है, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए घर में गर्म नाश्ता सर्दियों के मौसम में। यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये भी सारा बन गया हमारा है। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले, एक लाइक करके जाइए। फिर चलिए नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।